नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपपुर ज्योति चैनल में आपके साथ आशु मेघवाल। अनूपगढ़ धान मंडी में कामकाज को पूर्णतया बंद कर व्यापारी मजदूर किसान संगठनों ने शोक यात्रा निकाली। एसडीएम कार्यालय के सामने प्रधानमंत्री का पुतला फूंक कर कृषि अध्यादेशों के खिलाफ रोष जताया और संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार पर कड़े शब्दों का प्रयोग कर कृषि अध्यादेशों के काले कानून को वापस लेने की मांग रख स्पष्ट किया कि नरेंद्र मोदी देश व विदेश की बड़ी कंपनियों के इशारों पर व्यापारी किसान मजदूर वर्ग को खत्म करने पर तुले हुए हैं, जिसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस शोक यात्रा में व्यापार मंडल अध्यक्ष भजनलाल कामरा, रोशन लिम्बा, विनोद पवार, रणबीर सेखो, युद्धवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, गुरनाम सिंह, गुरदास सिंह, गुरदत्ता सिंह, कुलदीप सिंह आदि शामिल रहे। कॉमरेड सुनील गोदारा का कहना है कि यदि इन मांगों को लेकर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो आने वाली 21 दिसंबर को जिला कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 1955 का जो मंडी एक्ट था उसको समाप्त करने का काम किया है। मंडी एक्ट समाप्त होने का मतलब है कि जो कृषि की जिन्स है वो डायरेक्ट व्यापारी से खरीदेगा बड़ा किसान, जो अंडानी और अंबानी जैसे लोग हैं, और वो किसान को लूटेंगे। छोटा व्यापारी जो धान मंडी के अंदर ऑक्शनल कराता है वो बर्बाद होगा। धान मंडी के अंदर जो दानखाई का काम करता है वो लोग बेरोजगार होंगे। जो मुनिमी का काम करते हैं वो लोग बेरोजगार होंगे। जो पल्लेदारी का काम करते हैं वो बेरोजगार होंगे। और इस तहसील के अंदर 5,000 आदमियों से जो मंडी यार्ड के अंदर काम करते हैं, और 5,000 आदमियों का मतलब होता है 5,000 परिवार, यानी 25,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। केंद्र सरकार कोरोना के नाम पर अध्यादेश को लाकर इस मंडी एक्ट को समाप्त कर रही है और बड़े पूंजीपतियों को खेती देना चाहती है। अंडानी और अंबानी को जिस तरह से इन्होंने रेलवे दिया, LIC दिया, एयरपोर्ट दिया, उस चीज़ को हम केंद्र सरकार और मोदी सरकार को उन मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। आज तमाम अनूपगढ़ तहसील के किसान, व्यापारी और मजदूर हम संगठित होकर SDM को यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। आने वाले 21 तारीख को राजस्थान के जिला कलेक्टर श्री गंगानगर पे, गंगानगर जिले के किसान व्यापारियों का प्रोग्राम, हम उसमें भाग लेंगे। फिर भी अगर देश और प्रदेश की सरकारें और मोदी सरकार अगर हमारी नहीं सुनेंगी तो हम ये सड़कें जाम करेंगे, रेलवे जाम करेंगे और सारा काम काज ठप करके किसान, मजदूर और व्यापारी सड़क पर बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।